लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज जिस बाइक का हम रिव्यू करने वाले वो है हंटर 350। आप सबको पता है ये बाइक अपने रोड प्रेजेंस, अपने फीचर्स को लेके और लाइट वेट यूएसपी को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और जब से ये बाइक आई है अभी तक इसके 1 लाख क्वान्टिटी सोल्ड हो चुके हैं। सो इससे आप समझ सकते हैं जो कस्टमर्स हैं इसके फीडबैक को लेके जान के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस बाइक को ऑप्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस बाइक को चूज़ किया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और ये एक ऐसी बाइक है जो 350 cc में आपको मिल जाती है विद इन 2 लाख रुपीज़, यानी 2 लाख रुपये बजट में अभी तक इंडियन मार्केट में आपको इससे बढ़िया बाइक यानी 350 सेगमेंट में बाइक आपको मिलती नहीं पहली बात, और जो मिलती है वो महंगी मिलती है। यानी ये अपनी बाइक प्राइस को पूरी तरह करती है जस्टिफाई और ये अपने सेगमेंट में अभी तक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आपको ऑफिस के लिए कम्यूट करना है तो है हंटर 350, आपको राइड पे जाना है तो हंटर 350, लॉन्ग राइड्स पे यानी हर पैरामीटर पे कहीं ना कहीं बाइक अपने आप को काफ़ी बढ़िया परख चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इस बाइक को जाना जाता है इसकी परफॉर्मेंस को लेके भी। तो सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक के इंजन को लेके, जिसमें यूज़ किया गया है जे सीरीज़ इंजन, यानी ऐसा इंजन जो कि क्लासिक में आता है, मिट्योर में आता है, और ये इंजन टेस्टेड है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। यही वजह है कि जब इनफील्ड ने प्लान करा था एक हंटर लाइट वेट बाइक और विद इन बजट बाइक बनाने का, तो जे सीरीज इंजन ऑलरेडी पहले डिसाइड कर लिया गया था कि इस बाइक में आपको जे सीरीज इंजन मिलेगा। साथ ही साथ ये बाइक है सिंगल सिलेंडर और इसमें लगे हैं शॉर्ट एग्जॉस्ट जो कि इसके ओवरऑल लुक को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कलर आपने देख ही लिया होगा, कलर है डैपर वाइट। इसमें आपको टोटल 8 कलर ऑप्शन मिलते हैं और 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक रेट्रो और एक मेट्रो। मेट्रो वेरिएंट में आपको मिलता है अलॉय व्हील और भी अदर फीचर्स जो कि आपको रेट्रो में वहाँ पे आपको मिलता है रिम। सो हम बात करें पर्टिकुलरली इस वेरिएंट के बारे में जो कि है मेट्रो और कलर है डैपर वाइट। तो शुरू करते हैं इसके इंजन को लेके, 350 cc का इंजन है जो कि है सिंगल सिलेंडर। और बात करें इस बाइक की अगर परफॉर्मेंस को लेके, तो ये बाइक परफॉर्म करती है अपने मैक्सिमम, अगर बात करें आप इसके पावर आउटपुट को लेके, तो 20.2 PS का मैक्सिमम पावर मिलता है और समवेयर अराउंड 27 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। सो लाइट वेट तो है ये बाइक, साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये वैसे ही परफॉर्म करती है जैसे कि आपकी क्लासिक 350, दैट टू इन अ वेरी लाइट वेट सेगमेंट। और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी बढ़िया, आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि बाइक अगर आप स्टक हो किसी ट्रैफिक में तो आपका जो टर्निंग रेडियस है समय अराउंड यहाँ आकर रुकता है किसी बाइक का, लेकिन इसका हैंडल पूरी तरह से मुड़ता है, यानी आपको बहुत ही शॉर्ट जगह में भी आप इस बाइक को बहुत इजीली राइड करेंगे। यानी मैनओवर इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यानी ये बाइक हो जाती है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल। कम्फर्टेबल सिर्फ टर्निंग रेडियस को लेकर नहीं, इसके वेट को लेकर देखें आप, इसकी सीट हाइट आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर जो पिलियन सीट है वो थोड़ा सा ऊपर है और जो राइडर की सीट है वो नीचे है, जिससे क्या होता है आपको और भी ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, अपराइट सिटिंग पोजीशन मिलता है आपको इसमें, जिससे आपकी राइडिंग क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। अगर ये बाइक अब लीन हो के होता, अगर इसका हैंडल नीचे होता, तो ऑफकोर्स आपके बैक पे थोड़ा पेन होता या लंबी राइड पर ये बाइक कम्फर्टेबल नहीं होती, लेकिन इसमें आपको मिलता है रेज्ड अप हैंडल बार जिससे आपकी राइड काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाती है। अगर मूव करें इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स की तरफ, तो आप ध्यान से देखें तो एक राउंड शेप LED टेल लाइट मिलता है यहाँ पे आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है इसके पीछे से लुक को। साथ ही साथ इसमें आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो मिलते हैं हेलोजन, यानी LED टेल लाइट, हेलोजन इंडिकेटर्स एंड हेलोजन आपको मिलता है हेडलैम्प। सो ओवरऑल इस बाइक में आपको जो इलेक्ट्रिकल फीचर्स है वो तो आपको स्टैंडर्ड ही मिल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दें इसके डिजिटल कंसोल मीटर को, तो आपको इसमें राउंड शेप डिजिटल कंसोल मीटर मिलेगा जो कि पार्ट है इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स का। साथ ही साथ जो इसमें एनालॉग और डिजिटली कंबाइन करके इसको कंसोल को डिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आपको मिलता है एनालॉग स्पीडोमीटर, आपको ऑडोमीटर मिलता है डिजिटल, आपको टैकोमीटर मिल रहा है डिजिटल, प्लस आई इन्फॉर्मेशन बटन से आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी राइड को, आपने कितना राइड किया, कितनी ट्रिप आपकी राइड हुई। साथ ही साथ यहाँ पर मिलता है आपको पास स्विच, जो कि काफ़ी कूल फीचर्स है। आजकल आई बटन काफ़ी कॉमन हो रहा है सारी बाइक्स में, तो हंटर में भी आपको इनबिल्ट ये फंक्शन मिल दिए जा रहे हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस बाइक का वो है इसका USB पोर्ट चार्जर वाला पार्ट, जो यहाँ पे डाउन योर क्लच यहाँ पे मिलता है आपको एक पोर्ट जहाँ पे आप अपने USB केबल को लगा के अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये हुई काफ़ी बढ़िया फीचर्स। अगर आप लंबे राइड पे हैं, आपकी बैटरी हो चुकी है ड्रेन और आपको बात करना अपने घर पे, तो आप इजीली यहाँ से अपने फ़ोन को चार्ज करके वाइल्ड राइडिंग अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है स्पेस जहाँ पे आप लगा सकते हैं नेविगेटर, यानी
नेविगेटर आप अलग से एक्सेसरीज का पार्ट अगर आप बाई कर लेते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे माउंट दिया गया है जहाँ पे इजीली बहुत इंस्टॉल्ड हो जाएगा। यानी हंटर ने कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। विद इन बजट यानी विद इन टू लाख रुपीज़ ये एक ऐसी बाइक है जो लोडेड है फीचर से। तो यहाँ पे आपके नेविगेटर भी लग गया, यहाँ पे आपके USB पोर्ट भी मिल गया, यानी आप गूगल मैप के थ्रू अपने डेस्टिनेशन पर आराम से पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ अपने फ़ोन को आप चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मिलता है आपको इग्निशन स्विच जो कि ये रहा आपका इग्निशन स्विच जो कि काफ़ी कूल है। और यहाँ अगर आप करते हैं तो ये किल स्विच की तरह काम करता है। सो 2-in-1 इसका फंक्शनैलिटी है। अपार्ट फ्रॉम इट इसमें मिलता है आपको ओवल शेप मास्टर सिलेंडर जो कि ऑयल मास्टर सिलेंडर है। ब्रेकिंग कंपोनेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके जो लीवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, काफ़ी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ अगर बात करें इसके टायर डायमेंशन को लेके तो इसमें फ्रंट में मिलता है आपको 110/17 सेक्शन का 17 इंच का टायर यानी 17 इंच का टायर आपको फ्रंट में मिलता है। और पीछे मिलता है आपको सम अराउंड 140/70 सेक्शन का टायर जो कि है 17 इंच का, यानी 17 इंच का टायर आगे भी है और पीछे भी है। तो आपकी जो राइडिंग क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अप राइट सिटिंग पोजिशन है बाइक पे, तो आपको कंफर्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। विद इन सिटी ये बाइक 10/10 है। लॉन्ग राइड्स पे भी इस बाइक को आप कंफर्टेबल कर सकते ऑप्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें इसके बाइक के कॉस्मेटिक्स को लेके तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बनाया गया। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप इसकी टेस्ट राइड लेने आएंगे तो ये बाइक अवेलेबल है SRG ओखला Phase 2 में, जो कि यहाँ पे आपको हमेशा 3 से 4 कलर में भी बाइक अवेलेबल रहती है। आके अपनी बाइक को आप बुक कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे ये बाइक अगर आपने ऑप्ट कर ली है तो आपको कितना डाउन पेमेंट करना है। अगर आपको इन कैश बाइक लेना है तो आपको ये बाइक ऑन रोड कितने में मिलेगी। तो इस बाइक का प्राइस है 1,93,000 रुपीज़ जो कि है ऑन रोड। अगर आप इस बाइक को EMI पे फाइनेंस कराना चाहते हैं तो ऑल यू नीड इज 750+ सिविल स्कोर और 40,000 डाउन पेमेंट देके ये बाइक आप लेके जा सकते हैं। तो ये तो बात होगी इसके प्राइस के को लेके, EMI को लेके। अब बात करते हैं इसके USP को। सो सबसे पहली जो USP इस बाइक की वो है कि ये अभी तक की इनफील्ड की सबसे बजट सेगमेंट बाइक है जो कि विद इन 2 लाख आती है। और इसमें आपको सारे फंक्शनैलिटी मिलते हैं जो कि क्लासिक या स्टैंडर्ड में आप ढूंढते हो, उससे कहीं अपग्रेडेड आपको फीचर्स में मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हंटर 350। अगर आपको इस बाइक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, तो ज़रूर कमेंट करके पूछें। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप राइडिंग।